अ बॉडी इज मूव फ्रॉम ए टू बी, तो इस पॉइंट को समझो। तो एक बॉडी जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से लेके बी तक जा रही है कुछ ऐसे। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये फोर्स गिवन है, ये फोर्स है और वो एस है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगा, क्योंकि एफ और एस ग्राफ है तो एरिया निकाल देते हैं। एरिया कैसे, इसके अंडर एरिया तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रेपेजियम का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया और माइनस इसका एरिया, प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव फोर्स का मतलब रिटार्डिंग फोर्स है। ये नेगेटिव वर्क डन कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, तो ये तीनों वर्क डन पॉजिटिव होंगे, ये वर्क डन नेगेटिव होगा। तीनों को ऐड करके इसमें से ये वाला वर्क डन क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितने लोगों का आंसर आ गया इसमें, आ रहा है आंसर, मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है, वर्क डन की वैल्यू कैसे निकलेगी। सारे ऐड मत कर देना, पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन, तो एरिया नेगेटिव होगा। तो इसका एरिया निकाल लेना। इस क्वेश्चन को चेक करें प्लीज। वुमेन पुशेस अ ट्रक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस, चलो फ्रिक्शन तो है। शी सप्लाईज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो 100 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स है, 10 मीटर के लिए लगती है। फिर 10 मीटर 20 मीटर के लिए फोर्स डिक्रीज हो जाती है 50 न्यूटन पे, तो पहले 10 न्यूटन लगती है अब 50 न्यूटन लगती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 20 मीटर। फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन, कैलकुलेट वर्क डन बाय वुमेन एंड फ्रिक्शन इन टू केसेस और ड्रॉ दी ग्राफ। चलो ग्राफ तो मैंने बना के दे दिया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टेटमेंट से पहले तुम ग्राफ भी बना लोगे। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, उसने कहा 100 न्यूटन की फोर्स है कहाँ तक, 10 मीटर तक। तो चेक करो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, 100 न्यूटन कॉन्स्टेंट है। फिर वो क्या कह रहा है कि ये वैल्यू गिर गई टू 50 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू 100 से कितनी हो गई, 50 न्यूटन, कब, फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर। तो ग्राफ क्लियर है, पहले ग्राफ बनाने को आएगा, ग्राफ समझ रहे हो। तो पहले जो देखो, जैसे उसने बोला वैसे मैंने ग्राफ बना दिया कि 10 मीटर तक तो 100 न्यूटन फोर्स है, 10 से 20 के बीच में फोर्स कम हो गई, ग्राफ बन गया। अब ये बताओ कि देखो इस पूरे ग्राफ में जब वो पुश कर रही है एक ट्रक को, तो फ्रिक्शन तो काम कर रही है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, सारा एरिया निकाल देता हूं, तो वो वर्क डन किसका आएगा, वुमेन का आएगा कि इंक्लूडिंग फ्रिक्शन आएगा, वुमेन का आएगा कि नेट आएगा, नेट आएगा। फिर मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये नेट आएगा, तुम्हारे मान लेते हैं, तो जब वो 100 न्यूटन फोर्स लगा रही थी, 100 न्यूटन लगा रही है, तो मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, 50 न्यूटन, तो माइनस ही नहीं की मैं, तो उसकी अप्लाइड फोर्स ही बता रहा हूँ। तो ये ग्राफ तो अप्लाइड फोर्स का ही ग्राफ है ना, फ्रिक्शन तो यहाँ पर मेंशन मैंने ड्रॉ की नहीं। उसने कहा अप्लाइड फोर्स 100, तो मैंने कहा 100, उसने कहा अप्लाइड फोर्स 50, तो मैंने बोला 50। इसमें फ्रिक्शन कहाँ है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, कहाँ पे है ये बात, नहीं, फ्रिक्शन एक्ट कर, हाँ मतलब इसने ग्राफ में यहां जरूर मेंशन किया ये तो वुमेन का ही है, अप्लाइड फ्रिक्शन नेगेटिव है, ये देखो कॉन्स्टेंटली क्या लग रही है, फ्रिक्शन -50। हाँ अब सही है, अब ग्राफ सही बनेगा। तो मतलब आपको ये फ्रिक्शन जब ग्राफ प्लॉट करने को आए, तो फ्रिक्शन यहाँ डॉट 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 रिप्रेजेंट करनी है। हाँ ये नहीं है, ये वुमेन का ग्राफ है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क डन बाय वुमेन, तो कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आंसर आ जाएगा, करके देख लो, यही है। तो आप रेक्टेंगल का और ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें, ये लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, ट्रेपेजियम का एरिया सबको आता है ना, एरिया निकालना आता है सबको ना, हाँ ठीक है ना। तो इन दोनों का एरिया क्या आ रहा है, 1750, चेक करना, यही आ रहा है, यही आएगा। फिर वो क्या कह रही है, कह रहा है फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, फ्रिक्शन तो पूरे रास्ते ही लगती गई, और वो पूरा रास्ता कितने मीटर है, 20 मीटर, फ्रिक्शन तो रुकी नहीं, फ्रिक्शन तो 20 मीटर तक रुकती चलती गई, और फ्रिक्शन की फोर्स क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 50। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर हम लिखेंगे तो -F इंटू एस होगा, फोर्स
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1000 जूल आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन का वर्कडन कैसे निकलेगा। और चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप ये एरिया निकाल लो, ये देखो फ्रिक्शन का शेडेड एरिया ऊपर की तरफ देख रहे हो, रेक्टेंगल का एरिया भी -1000 है। जैसे मर्जी कर लो, वैसे तो ओरली भी कर सकते हो, पर ग्राफ से भी कर सकते हो, जैसे भी चाहो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि वुमेन का वर्कडन क्या होगा और फ्रिक्शन का वर्कडन क्या होगा। अब नेक्स्ट है, ये वेरिएबल फोर्स आप कर लेंगे, एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, मैंने ये बता दी, होमवर्क लिखें इसे, इसका मैं होमवर्क दूंगा, उसमें चेक करना। वर्क डन इसका कैसे निकले करेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।